ये क्लस्टर बम क्या होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मिसाइल गिरा और एक मिसाइल से कई बॉम्बलेट्स गिरते हैं। ये देख रहे हैं आप, इससे कई बॉम्बलेट्स गिरते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई ये अलग अलग प्रकार का होता है, तो जो सिविलियंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। राहुल, अब वॉल पर आइए। क्लस्टर बम क्या है, अब थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। क्लस्टर बम से एक साथ बड़े इलाके में विध्वंस होता है, ये देखिए, जिसको हम लोग बॉम्बलेट्स कहते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, प्लीज टिकट पे ब्रेकिंग ऑन रखिए। नेक्स्ट दिखाइए, एक क्लस्टर बम में दर्जनों बॉम्बलेट्स होते हैं। नेक्स्ट दिखाइए, फिर विस्फोट के बाद ये पूरे इलाके में फैल जाते हैं। नेक्स्ट दिखाइए, फिर इसके बाद एक बार विस्फोट के बाद खतरा बना रहता है, ये जानकारी आ रही है। कई बॉम्बलेट्स में बाद में भी विस्फोट होता रहता है, ये और चिंताजनक है। क्या होता है कि वहां पर बच्चे जा रहे होते हैं, अगर वो टच भी कर ले, उनको लगे कि बम फट चुका है, तो फटा नहीं होता है, तो उससे उनको नुकसान हो जाता है।